What's up my people? JSAP in the house vlog overs का एक नया एपिसोड लेके सीधा पार्किंग लॉट से शुरू कर दिया क्योंकि टाइम है कम और काम है ज्यादा. ईशा कब इज फाइनली हियर. ब्रेक मेरी खत्म हो गई है तो उस ब्रेक के बाद आई कांट वेट टू गेट टू वर्क. और हम रिकॉर्ड करने वाले हैं गेम प्लान्स और बहुत सारे प्री प्रोग्राम. मंडे को मैं निकल रहा हूँ ओमान और उसके पहले मुझे अपने कपड़े सेट करने हैं. सो आई हैव टू गो टू द स्टाइलिस्ट टुडे. माय फैमिली इज कमिंग बैक फ्रॉम गोवा, उनको मुझे पिक करने जाना है. वेरी बिजी डे और उसके बीच में शाम को क्वालिफायर्स की कॉमेंट्री भी है. भाई इज रेडी, भाई इज राइड इज रेडी. So let's go. Vibe तो है बॉस, vibe तो है, full एक नंबर. लेकिन ये वाइब से ना किसी को जज मत करना. ना हमने कभी शो ऑफ किया है, ना हम कभी शो ऑफ में बिलीव करते हैं. गाड़ियों की ब्रांड से, कपड़ों की ब्रांड से, बंदों की ब्रांड नहीं पता चलती. सो नेवर रियली जज एनीवन बाय व्हाट दे ड्राइव, बाय व्हाट दे वेयर. एक सपना था जरूर एक अच्छी गाड़ी लेने का. एंजॉयड एवरीथिंग. जो पहली गाड़ी ली थी ना मैंने अपनी कमाई से, दैट वाज अ स्विफ्ट 2008 में, जब मैं ड्रीम जॉब जीता था. थोड़े पैसे मैंने डाले थे, थोड़े पैसे पापा ने डाले थे. और वो गाड़ी लेते टाइम जो एक्साइटमेंट थी, वो ये गाड़ी लेते हुए भी नहीं आई. दैट इज द रियलिटी. मैंने सोचा यार इसके पहले एकदम और बूढ़े हो जाएं और ये पूरे शौक मरी जाएं. आई शुड डू मोटर स्पोर्ट्स, आई लव कार, I love driving. But problem ये है कि I live across the road from the studio. तो मैं 2 किलोमीटर के लिए भी चला के ले से आ रहा हूँ क्योंकि उसके बाद एशिया कप आ जाएगा, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा. चलाऊंगा कब? तो मुझे लगता है थोड़े पैसे वेस्ट हो गए. ऊपर बना दूँ, रेंट पे डाल दूँ? बताओ कमेंट्स में कितने होने चाहिए चार्जेस एक दिन के रेंट के. देखो हमारे ब्लॉग का बजट बहुत बढ़ गया है. दिस इज शायल, यू सीन हर ऑन माय प्रीवियस ब्लॉग, शी इज अ स्टाइलिस्ट. बट जिनके हाथ में भी ये कैमरा है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको बिल्कुल समझ ना आए. जिनके हाथ में कैमरा है, द पर्सन होल्डिंग द कैमरा इज स्ट्रेट फ्रॉम स्ट्राया भाई, फ्रॉम वर्ल्ड कप. ऑस्ट्रेलिया के हैं वो, इनके हस्बैंड है क्रिस, उनका नाम है. श्री क्रिस, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए. क्रिस कम ऑन, से हाय इन द मिरर. Yeah, ask Chris everyone. Hey, what's up? The ladies who... Chandni and Riti. I know Chandni and Riti. These are all clothes. These are going to Oman and Dubai for the Asia Cup because there is a lot of heat. So, Shail wants me to wear Indian. No, I don't want you to wear Indian. Indian fabric. I didn't line it. हसमुख पिछले 2-3 साल से मेरे घर में ऐसे सूटकेस लेके अंदर और बाहर करता है. मेरे को गार्ड पूछते हैं ये लाशें आ रही हैं क्या, कौन है ये इंसान. हसमुख पे 3 मुकदमे चल रहे हैं. एंड बाकी इस घर के सदस्य से मिलवाते हैं. ये है सुकी. सुकी से ऐसा नहीं कि सुकी हुई है, जापानीज नाम है, बड़े फैंसी है लोग. आप देख सकते हैं इनकी शर्ट पे भी कुछ, they're very fancy people, you know. So yeah, ट्रायल चल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े. गड़बड़ हमने लुक्स 13-14-15 लुक्स. एंड दिस इज व्हाट वी डू, वी ट्राई थिंग्स. We're very neat and clean, and Chris is amazing. Chris has actually got me a nice chilled beer, and Chris is a master chef. So when we master chef, karenge Asia Cup master chef Asia, Chris will be the judge. Bailey, what do you say? All right, next please. Vesti. लेकिन मेरा question सबके लिए है कि अगर सब डालेंगे Vesti, जो कि बहुत अच्छी है, तो my question is. And you all tell me in the comment section, and if you want, you can like, share, and subscribe. ये vesti डाल के जिसमें I'm looking cool or am I looking cool? Akash अपना game plan कैसे करेंगे? How will Akash do game plan? Either he'll have to do a little bit of Sonali Bendre from Sarfarosh, or how will he do game plan in this? आज स्टूडियो भी अलग है, आज ग्राउंड फ्लोर वाले स्टूडियो पे शूट है. ये एक्चुअली बिल्डिंग की लॉबी है, where star is. क्लास है बॉस, क्लास. भाई गुड मॉर्निंग सर. भाई साहब काफिला तो देखे, भाई शो कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं. हमारा नेता कैसा हो? तूफान इम्तियाज अली. दैट्स सिद्धार्थ लोढ़ा बाय द वे. अगर नाइट क्लब कभी आपने देखा है, वो सारे एपिसोड यही करता है और मेक श्योर करता है कि एंड क्रेडिट में इसका नाम भी है. आई लाइक इट. स्टूडियो से निकला था, 2 किलोमीटर भी नहीं गया था कि फोन आ गया, वापस आ जाओ, शो री रिकॉर्ड करना है. क्यों? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द एशिया कप. बहुत बड़ा झटका है जी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इंडिया के लिए, बाकी टीम्स के लिए, आई मीन इट्स गुड. लेकिन मजा तो तभी आता है जब आप इतने बड़े प्लेयर के अगेंस्ट अच्छा खेलते हो. सो इट डिसअपॉइंटिंग, थोड़ा मजा किरकिरा होगा, बट मेरा दिन और लंबा हो गया. फैमिली के लिए एयरपोर्ट पे टैक्सी भेजूंगा. आई एम गेटिंग बैक इनटू द स्टूडियो टू री रिकॉर्ड. कौन थे एंकर? तुम वापस आए हो ना ये करने के लिए, क्योंकि कुछ लिंक में गड़बड़. हाँ तुम गए थे एयरपोर्ट सबने मर्सिडीज चला के वापस. जतिन सप्रू चैम, दिस इज योर कुर्सी, प्लीज टेक अ सीट. जानू ओवर एंड आउट. मथुरा दास बना दिया तुमने मेरे को. मथुरा दास
स्नैक आ गया भाई, वड़ा पाव है फ्रेश गार्लिक चटनी के साथ, चटनी वड़ा पाव, ये बैठे बैठे वड़ा पाव रखे हैं। श्री श्री हमारे कॉमेडी प्रोड्यूसर, इनके पैर छू घर के बड़े हैं, यही हूँ सर, शाहीन चाह पी दिन बोला अब जाके और शो करो। चलो वड़ा पाव सॉरी यार कल रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ से एक क्वालिफायर किया था, ये पूरा सेटअप है, आज पैक ही है, पैकिंग डे, पैकिंग डे मेरा होता है, लेकिन पूरे घर पे आफत आ जाती है, तहलका मच जाता है, ऑल द रूम्स आर फुली ऑक्यूपाइड, यहाँ पे थोड़े से कपड़े हैं, अभी शाइल्स गोना गेट द क्लोथ, शूज डिसाइड हो रहे हैं कौन से लेके जाए, ऑल द स्टाफ टॉयलेटरीज मेकअप स्टाफ सब भाग रहे हैं, यहाँ पे मिस नायू के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गणपति आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ फेस्टिवल मनाते हैं, विच इज द फन, गणपति बप्पा। और यार 20 मिनट से मिले नहीं है, सामने दिखे नमकीन की दुकान चला, बड़ी गाड़ी, आई डोंट नो समथिंग टू ईट, जस्ट कमिंग, नाउ यू क्या खाए, बेसन चीज फ्राई, मम आई एम गोइंग टू गेट सम नमकीन, ट्रैफिक जाम के बीच में मोर एडवेंचर। पे ऑलमोस्ट गॉट टेक ऑफ, मेन स्पीड पकड़ रहा है, अच्छी अरेबिक कॉफी पी है, डेट्स खाए हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट है यार, दो स्टोरी चली गई, मैं मेरा बैग बैग का बैग, लेकिन जो क्वेश्चन पूछना है वो अपलोड नहीं हो रहा यार, ये नेटवर्क धोखा देगा, टेक ऑफ या अपलोड, टेक ऑफ अपलोड, पहले क्या होगा, पहले तो भाई अपलोड ही होगा, चलो man, welcome to Muscat. Assalamualaikum, Muscat, जो कि ओमान की राजधानी है, वहाँ से आप सभी का स्वागत करते हैं। जीशान भाई ये हमारे ड्राइवर हैं। जीशान भाई आते हैं पंजाब से, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब से। जीशान भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। हाँ जी ठीक। अच्छा मैंने इनसे पूछा हमारा होटल कितना दूर रहने वाला, 20 मिनट। तो मेरा टाइम कितना लगेगा, कहते 20 मिनट। मुंबई में 1 किलोमीटर के लिए 20 मिनट लगते हैं यार, ये क्या जाती है। बट ठीक ठाक गर्मी है, एंड अभी सीधा होटल जाऊंगा, और होटल में 2-3 घंटे का टाइम है, उसके बाद सीधा ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जाके फिर गुड बाय करते हैं। क्वालिफायर है आज, मैच है UAE और सिंगापुर का, तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। रात भी बहुत मज़ा आया, लास्ट में बहुत गेम बन, अरे कल तो बड़ी कमाल की गेम थी, बहुत गेम बन गया रात। तो 28 तारीख को अगर फिर इंडिया हराएगी पाकिस्तान को, तो मेरे को घर तो छोड़ देगा ना जीशान, या बुरा मान के छोड़ेगा नहीं मेरे को? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई, मजाक कर रहा है। हम लोग भी तो जीत जाते हैं, अभी देखो वर्ल्ड कप में हम लोग जीत गए, बिल्कुल मुबारक हो आपको, मुबारक हो भाई, पहली बार, ये हार जीत तो होती रहती है यार, अगर इस चीज को बंदा फील करता रहे तो ये क्या है, बिल्कुल दोनों टीमें जीतने उतरती है। मेरे को एयरपोर्ट पे उन्होंने बोला कि अरबी आती है आपको, बोला अरबी, अगर अच्छा यहाँ से नहीं है आप, फिर उन्होंने इंडियन पासपोर्ट देगा, बोला भाई हम तो जहाँ फिर जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, अरबी विलायती देसी, तंदूरा आप पहन के आते ना फिर मजा था है, क्या पहन के तंदूरा, ये जो अरबी लोग पहनते हैं, जो अरबी लोग पहनते हैं यार, एक बार पहनूंगा, ठीक है जुगाड़ करा मैं एक बार पहनूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है माशाल्लाह पहनेंगे पहनेंगे। ग्राउंड जो है वो उन पहाड़ियों के पीछे है। व्हाट्सअप, मैं तो आधे सो गया था यार, सिर में ढुलकियां बज रही थी, आई थिंक आई हैडन रियली स्लेप्ट प्रॉपरली द लास्ट कपल ऑफ नाइट्स, बट फीलिंग बेटर, और भी बेटर फील करना, तो ये देखो एशिया कप ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर सास स्पोर्ट्स, ये वर्ल्ड फीड की दो टी शर्ट्स हैं जो आ गई हैं, ये डालनी है ग्राउंड पे 2-3 दिन, नॉट फॉर द मेन ड्रॉ, जस्ट फॉर क्वालिफायर्स, एंड ये एक्रेडिटेशन भी आ गया है भाई का, सो इट्स 3:30, कॉल टाइम 4 बजे का है, सो आई एम गोना क्विकली जंप इन द शावर एंड पिक अप अ कॉफी एंड फिर ग्राउंड चलते हैं। इसी पहाड़ के पीछे से आए हम, डिन टेक अस मोर देन 25 मिनट्स, पहाड़ियाँ बहुत अलग हैं हमारी धर्मशाला की पहाड़ियों से, इट्स मोर लाइक जैसे राजस्थान में थोड़े रेगिस्तानी टीले होते हैं, तो ऑब्वियसली मच हायर, बट ब्यूटीफुल ओमान क्रिकेट एकेडमी। अभी जैसे जैसे शाम घटेगी, आई हैव बीन टोल्ड दैट इट गेट्स बेटर, 34-35 इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज हवा बहुत चल रही है, मेकशिफ्ट थोड़े से स्टैंड्स हैं,
पर तीन फ्लोर ऊपर चढ़ के आया हूँ। आइसक्रीम हो गई है पूरी बर्न। डिफरेंट सेटिंग्स, नाइस चिल, लेट्स गो टू द कॉम बॉक्स। कॉम बॉक्स इधर गया। आह ओके, इंग्लिश कमेंट्री एंड हिंदी कमेंट्री। ऑलराइट, हे ए कैमरम, हाउ आर यू? फाइन। दैट्स हिंदी कमेंट्री। ओह नाइस, ठंडी हवा। काम तमाम, साबुन अमाम, कमेंट्री बॉक्स से आज इतना ही। मजा आया, सेटिस्फैक्शन मिलती है। पिछले तीन चार दिन बहुत हेक्टिक थे, सीधा गोवा से आया तो और पूरे अपने ब्लॉग में देखे, पर जब दिन अच्छा जाता है ना, काम अच्छा होता है, तो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये कंटेंट इसीलिए बनाता हूँ मैं ताकि जो लोग बाहर हैं, जो देखते हैं कि यू नो अरे कैसी होगी लाइफ, उनको थोड़ी और एक्सेस मिलते रहे। सो होपफुली यू लाइक दिस। लाइक किया तो फिर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, क्या और देखना चाहते हो। एशिया कप में बहुत कंटेंट आएगा, मैच प्रीव्यूज, फैंटेसी पिक्स, व्लॉग्स, सीधा एपिसेंटर से यूएई से। तो अभी के लिए लाइटें होने लिए बंद, हम चले शब्बा खैर।